नहीं बहुत स्वागत। हमारे बीच अरे में देखिए क्यों दुखी होते हो? अरे अरे तो अरे बिल्कुल देखिए नहीं, चलिए आइए। कहना चाहता हूँ कि तमाम साथियों ने इसमें सभागार में बैठे हुए, गांव में दूर तक बैठे हुए, जो अपनी पहचान सिर्फ अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, जिनका नाम भी हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जानने का कोई प्रश्न नहीं है, जो खेतों में, खलिहानों में, गांव के कीचड़ भरे रास्तों में सपने देख रहे हैं कि किसानों का जीवन कैसे बदलेगा, बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी में इन झूठे वादों से ठगे जाने के बाद जो पूरी तरह उनका मन टूटा हुआ है, वो पुनः कैसे अपने उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो हर नौजवान देखता है, और अपने उन सपनों को कैसे पूरा कर पाएंगे जो उनके घर के बुजुर्ग, उनके माता पिता उनके जन्म के समय से देखते आए हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री कल की तारीख में बड़ा होकर के हमारा संबल बनेगा, और आज स्वयं वो आज इस दीनहीन स्थिति में पड़े हुए हैं। मैं कोई लंबी बात आज नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच है कि चाहे वो छोटा व्यापारी हो, खेतों में काम करने वाला गरीब और गरीबतर होता चला गया किसान हो, और खास तौर से पिछले इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसमें अपने को जहां वो पाता है, समाज का कोई तबका आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद अब मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं अपनी कोई और बात आपसे नहीं कह पा रहा हूँ, प्रयास करूंगा ठीक होगा, फिर इन गलियारों में जो मेरे ही रगों में बसता है और जिसके कणकण में हम शामिल हैं, मैं फिर आपसे कोई बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय सिंह। नहीं बहुत स्वागत। अरे देखिए क्यों दुखी होते हो? अरे अरे बिल्कुल देखिए नहीं, चलिए आइए। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल सोच नहीं था, पानी बोल देने की पानी की बात है। अरे बिल्कुल नहीं, आप क्यों ऐसा कहते हो? बिल्कुल भावुक मत होइए, बात करो। चलिए बहुत स्वागत है, बहुत बढ़िया।